हेलो दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर जो बिंदु है वर्ण, उनका उच्चारण स्थान, जो वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं, स्वरयंत्र से जब बाहर निकलते हैं तो वो स्वरयंत्र अपने गले से बाहर निकल करके कहाँ कहाँ स्पर्श करते हैं और उनको हम किस स्थान से बोलते हैं, उनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो देखते हैं हिंदी व्याकरण में जो वर्ण विचार हमने पढ़ा था, उस वर्ण विचार में उन वर्णों को हम कौन कौन से स्थान से बोलते हैं। तो पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। वर्ण का उच्चारण स्थान, यानी जो वर्ण है, यानी वर्ण की परिभाषा हमने पहले पढ़ी कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, तो हम उसकी परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं। यानी वह छोटी से छोटी जो ध्वनि है, जिस ध्वनि का कोई खंड है या फिर उस ध्वनि का कोई टुकड़ा न हो, उसे हम वर्ण कहेंगे। यह हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमने पहले पढ़ा है। यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसका कोई खंड न हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जो वर्ण है, उस वर्णों उन वर्णों को हम कौन से स्थान से उच्चारित करते हैं, कौन से स्थान से हम बोलते हैं। जो वर्ण हमने पढ़े थे, जो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उनको हम कौन से स्थान से बोल करके बाहर स्वरयंत्र से निकालते हैं। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, इनके कुछ नियम है। जैसे ए कु है, विसर जैनी या नाम, एकू है विसर्जनिया नाम, एकू है विसर्जनिया नाम कंठ। इस नियम की, इस सूत्र की हम व्याख्या करके देखते हैं। जैसे ए कु का मतलब है, कु का अर्थ है यहाँ पर कैवर्ग, कैवर्ग में आएगा क, ख, ग, घ और ग, क, ख, ग, घ और ग। ए का मतलब ए और आ, कु का मतलब क वर्ग यानी क, ख, ग, घ और ग। इसके बाद है और विसर्जनिया नाम का मतलब विसर्ग। ये जो विसर्ग है, इनका हम उच्चारण कंठ से करते हैं। हम उच्चारण करते समय इनका स्वरयंत्र से हमारे जो ध्वनि बाहर निकलती है वो कहाँ से निकलती है, हमारे कंठ से बाहर निकलती है। तो ये जो कै ए आ कै वर्ग यानी क, ख, ग, घ और ग, जिसको हम अडैक बोलते हैं, उनको ग कहते हैं, और है और ये विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। ये हम कहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। यानी जब स्वर यंत्र से हमारी ध्वनि जब बाहर निकलती है तो ये कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। तो इसको हम कहेंगे ए को, आ को, कै को, ख को, ग को, घ को, है को और विसर्ग को हम कंठ के स्थान से बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा सूत्र है उनका है ई चू ये सा ना मैं, ई चू यसा नाम, ई चू यसा नाम तालु, तालु का मतलब तालव्य, यानी ये बोले जाएंगे ई चू यसा नाम, इसका अर्थ है तालु। इसको हम विस्तार करके लिखेंगे, ई जो वर्ण है छोटी और उसके बाद जो बड़ी ध्वनि, ई और चू का मतलब चै वर्ग, वही बात चै, छ, ज और झ और ये, चै वर्ग यानी चै, छ, ज और झ और ये, और जो ये
और जो प्रथम स है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। इस सूत्र का मतलब यह है, ई चू यसा नाम तालु का मतलब यह है, ई ई और चय वर्ग चय छय जय झय और ञ, और उसके बाद यह और प्रथम जो स है उसको हम तालव से बोलते हैं, इनका उच्चारण स्थान तालु है। इसी प्रकार तीसरा हम सूत्र देखते हैं, री री टू रसा णा नाम, री टू रसाणा नाम मूर्धा, री टू रसाणा नाम मूर्धा, इनकी मूर्धन्य है, इसको हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इनमें शामिल कौन कौन से हैं? री टैवर्ग पूरा, टैवर्ग में टै ठ ढ और ण, टै ठ ढ और ण। उसके बाद र और जो दूसरा स है इसको हम कहाँ से बोलते हैं? इनको हम मूर्धा से बोलते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। जो हमने पहला सूत्र पढ़ा है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा, ई चू यसा नाम तालु। तीसरा सूत्र हम पढ़े, हमने पढ़ा रे टू रसा नाम मूर्धा, ये जो पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला जो सूत्र है हमारा हिंदी का, उसमें है लृ तु लसा नाम, लृ तु लसा नाम दंता, लृ तु लसा नाम दंता। जैसे हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में हमने पहले जो पढ़ा वर्ण, उन वर्ण में हमने पढ़ा जो लरी है उसको हमने नहीं माना। तो दोस्तों ये जो लरी है ये संस्कृत व्याकरण में आती हैं। हम यहाँ थोड़ा सा अध्ययन करते हैं संस्कृत व्याकरण के सूत्रों से हम हिंदी भाषा में वर्ण विचारों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो जो लरी है उसको हिंदी व्याकरण में नहीं मानते, उनको संस्कृत व्याकरण में जो स्वर है उनमें उनकी गिनती की जाती है। तो लरी और तय वर्ग, तय वर्ग में आता है तय ठ द ध और न, ये तय थ द ध न, और उसके बाद आएगा ल, और ये जो तीसरा स है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दांत से होता है। इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है, यानी जब स्वर यंत्र से हमारी ध्वनि बाहर निकलती है तो इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय समय ये कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं, उसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो जो तय लरी तय थ द ध न, इनको हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा कहीं न कहीं हमारे दांतों से स्पर्श करते हुए बाहर ध्वनि को निकालती है, उसे ही हम दंतस्य यानी दंत कहते हैं। दांतों से जब स्पर्श करके बाहर निकलती है उसे हम दंता कहते हैं। और इसके बाद अपना आल अगला जो 5 नंबर पे आएगा वह आएगा उ पु पद्य मानी या नाम, उ पु पद्य मानिया नाम संस्कृत के सूत्र हैं। संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से हम आसानी से इनको हिंदी व्याकरण में उच्चारण स्थानों को याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ओपो पद्य मान्या नाम ये आते हैं हमारे ओष्ठव से, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो इनको हम विस्तारित करके लिखते हैं, देखते हैं जो ऊ है हमारा स्वर छोटा ऊ, और उसके बाद जो हम दीर्घ स्वर कहते हैं उसे बड़ा स्वर कहते हैं। ऊ और ऊ ये दोनों, पू का मतलब यहाँ है पैवर्ग, पू का यह मतलब है पैवर्ग पूरा, प फ ब भ और म, प फ ब भ और म। यह जब हम स्वर यंत्र से बाहर निकालते हैं ध्वनि तो यह कहीं न कहीं स्पर्श करती है, और वह स्पर्श करती है हमारे होंठ से ओष्ठ से, उसको हम होंठ ओष्ठ कहते
कहते हैं, यानी ऊ ऊ प फ ब भ में ये उच्चारण स्थान हम कहाँ से करते हैं, ओष्ठ से करते हैं। तो दोस्तों हम क्या आप प फ ब भ में इनको अपने होठों को बिना हिलाए बिना होठों को इधर उधर करे क्या आप इनको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ओ पू प ध्यमान या नाम ओष्ठो, इनका मतलब ये है उ प फ ब भ और मैं ये उच्चारण स्थान हम कहाँ से करते हैं, इनको ओष्ठ से करते हैं। तो ये अपना जो पांच सूत्र है, इनके बाद हम अगला सूत्र देखते हैं। छः नंबर पे हमारा जो सूत्र आएगा वह आएगा यमगण नाम नासिका। यमगण नाम नासिका जो पंचम अक्षर है हमारे सभी यम गण नाम यमगण नाम नाम यमगण नाम नाम नासिका यमगण नाम नासिका। कहने का मतलब ये है जो पंचम वर्ण है ख का पंचम वर्ण ख चैवर्ग का पंचम वर्ण जो पांचवा वर्ण होगा जो पंचम वर्ण होगा पांचवा जो वर्ण है अपना उनको हम कहाँ से बोलते हैं? नाक से बोलते हैं, ये नासिका से बोले जाते हैं। यानी जो पंचम वर्ण है वह कहाँ से उच्चारण करते हैं? हम नासिका से करते हैं। कहने का मतलब ये भी होता है पंचम जो वर्ण है उसका दो स्थानों से उच्चारण होता है। जो कैवर्ग है कैवर्ग जो है अपना कैवर्ग उनको हम कहाँ से उच्चारण करते हैं? कैवर्ग को कै कै गै घै और अड़ै, यानी कैवर्ग के अंदर भी अपना जो पंचम वर्ण है यह बोला जाता है कंठ से। कहने का मतलब ये है कि जो कैवर्ग है उसका पंचम वर्ण भी कंठ से बोला जाता है। और ये जो पंचम वर्ण है अपना छठा जो सूत्र हमने लिखा है यमगण नम नासिका, इसका जो पंचम वर्ण है कैवर्ग का, जैसे चैवर्ग का ये है पंचम वर्ण, कैवर्ग का जो पंचम वर्ण है जिसको हम अड़ै बोलते हैं उसको गै गै बोलते हैं गै। तो ये जो पंचम वर्ण है इनका दो स्थानों से उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे क का उच्चारण स्थान कंठ से भी होता है, ये का जो चैवर्ग है चैवर्ग का जो पंचम वर्ण है ये इनका उच्चारण स्थान ईचु यसा नाम तालु से होता है, तालव से भी होता है, ये जो जो तालव है इनसे भी बोला जाता है और इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। तो यमगण नाम नासिका मतलब पांचवा जो अपना वर्ण है वह नाक से नासिका की सहायता से भी बोला जाता है। हम अगला जो सूत्र देखते हैं हमारा जो सात नंबर पे सूत्र आता है इनको ए दई तो, ए दई तो का मतलब ए और आई, ए और आई ये दो ही वर्ण, ए और आई ये दो वर्ण बोले जाते हैं कंठ और तालु से। यानी ये ए और आई ये दोनों बोले जाते हैं कंठ और तालु से, कंठ और तालु इन दोनों स्थानों से इनका उच्चारण स्थान करते हैं। इनका उच्चारण स्थान हम कंठ और तालु से दोनों से क्यों करते हैं? क्योंकि ए और ई, ए और ई इनको हम पहले पढ़ चुके हैं संधि में, इनका हम संधि करते हैं संयोग करते हैं तो ए और ई ये दोनों मिलकर के बनता है ए। तो ये जो क वर्ण है यह कंठ से बोला जाता है, जो ई वर्ण है वह तालु से बोला जाता है। तो इस प्रकार कंठ और तालु से इनका उच्चारण स्थान होता है। अगला जो हम सूत्र पढ़ते हैं आठ नंबर पे हमारा सूत्र है, जो आठ नंबर पे आएगा वह सूत्र आएगा हमारा संस्कृत का ओ दो तो, ओ दो तो कंठोष्ठ। इसका मतलब ये है कंठ और ओष्ठ इन दोनों से बोला जाता है कौन कौन सा वर्ण? ओ और औ, ओ और औ ये दो वर्ण कंठ और ओष्ठ इन दोनों से बोला जाएगा, कंठ से और ओष्ठ से होंठ से बोला जाएगा। इन दोनों का वर्ण भी होगा, इनको हम अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा ए और उ, इन दोनों से
मिलकर के ये ओ बना है, संयोग करने पर ये ओ बना। तो जो ए है वह कंठ से बोला जाता है और ऊ है वह ओष्ठ से बोला जाता है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठम है। इसी प्रकार हम अगला जो नियम देखेंगे अपना, जो 9 नंबर पे हमारा नियम है, उनमें एक वर्ण बचा वह, तो वकारस्य वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। कहने का मतलब ये है जो वह वर्ण हमारा अपना जो अलग है उसको हम कहाँ से उच्चारित करेंगे, उनको हम दांत से और ओष्ठ से करेंगे, यानी दांत और ओष्ठ, दंत ओष्ठ इनको हम कहेंगे, दंत ओष्ठ दंतोष्ठ से यह बोला जाएगा। इनके बाद अपना जो अंतिम बचा है दो ही वर्ण है, कै और खै, उनको हम बोलते हैं पहले ही, उनको हम जी हवा मूल्यम भी कहते हैं, जी हवा, जी हवा मूल्य, जी हवा मूल्य शय, जी हवा मूल्य शय, जी हवा मूलम। कहने का मतलब ये है जो अपना जो कै वर्ग है इस प्रकार से हम लिखते हैं कै को, और उसके बाद इसी प्रकार हम से यहाँ लिखते हैं कै को, ये दो वर्ण है जो जी हवा मूलम बोला जाता है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों आज पढ़ा है हिंदी व्याकरण के अंदर हिंदी वर्णों में उच्चारण स्थानों को। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये उच्चारण स्थान बिल्कुल आसान तरीके से बताए गए समझ में आए होंगे। धन्यवाद।